बट वट ड थिंक इज द बिग प्रॉब्लम ज़ाहिर आपने दुनिया ट्रैवल की uh, यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया लोगों को मेन पाकिस्तान में, पाकिस्तान, में, like पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में हज़ारों छोटे प्रॉब्लम हैं यही बड़ा प्रॉब्लम है।, है कि पाकिस्तान में आप छोटे छोटे प्रॉब्लम कोई हल नहीं करना चाहते आप कहते हैं कि बस वजीर अज़म को चेंज कर दो इट्स इज नॉट हाउ इज गोइंग टू वर्क पाकिस्तान में एक इंसान आया उसने एम्बुलेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया उसको हमीद ही कहते हैं नहीं मुझे बताइए पाकिस्तान में एक इंसान का नाम जो कश्मीर का मसला सॉल्व करना चाहता हूँ कोई है कोई नाम समझ में नहीं आता पाकिस्तान में एक इंसान जो क्या है मैंने अपनी ज़िंदगी पानी के लिए डेडिकेट कर दी कोई है नहीं है तो एक मिनिस्टर आता है वो चला जाता है फिर दूसरा आता है उसको कुछ पता नहीं होता फिर वो तीसरा आता है उसको पता नहीं होता फिर वो चेंज हो जाता है फिर सेकटरी को पता नहीं होता दो साल में वो चेंज हो जाता है जब तक सीखता है ज़ नो बाइंडिंग फोर्स ऑन वन प्रॉब्लम सो मैं ये फिगर आउट मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में शायद हज़ार छोटे प्रॉब्लम हैं अगर हम उनमें सॉल्व करना शुरू करें तो दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फिक्सिंग एंड सॉल्यूशंस हमारे मुल्क में मौजूद हैं और फंडिंग मौजूद है और लोग मौजूद हैं सिर्फ आपस में डिसकनेक्शन hmm. है थोड़ा सा तो अब मेरे स्कूल में हर बच्चे को हमने एक प्रॉब्लम असाइन किया है और उसका नाम बदल देते हैं उसको उसको वही प्रॉब्लम अगले 20 साल में सॉल्व करना है दैट इज इज़ लाइफ मिशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में बच्चा पैदा होता है तो मैं उसको ईदो नहीं कहना जाओ क्रिश्चियनिटी एक्सप्लोर कर लो जाओ हिंदुज़म एक्सप्लोर कर लो भाई तुम तो मुसलमान घर में हो मुसलमान ही रहोगे तो सिमिलरली अगर वो पाकिस्तान में पैदा हो गया है वो एक इलाके में पैदा हो गया है तो इस इलाके की ये पच्चीस प्रॉब्लम है जब तक ये सॉल्व नहीं होते तुम और कुछ नहीं करोगे तुम यही पढ़ोगे कोई ऐसी ऐप अपने दिमाग में नहीं डालोगे जिसकी तुम्हें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूरत ना हो ऑन डिमांड ऐप इंस्टॉल कर लेना फिर डिलीट कर देना जब खत्म हो जाए लेकिन पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा फिर हम और कोई तुम्हें इंजीनियर बनाएंगे जनरल पर हर चीज़ जनरल परपज बना रहे हैं तो इतने मिलियन बच्चे हैं लेकिन एक पाकिस्तानी नहीं है जो क्या मैं कश्मीर का मसला सॉल्व करूँगा एक नहीं है जान दे देंगे लेकिन एक नहीं जो फ़लस्ती का मसला सॉल्व करूंगा मसला कैसे सॉल्व होता है अगर आपने एक दूसरे को मार भी दिया आखिर में फिर टेबल पर बैठेंगे तो वो वन सोर्स ऑफ ट्रस्ट वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वन सोर्स ऑफ कनेक्शन कौन है जिसको आप कॉल करके कह सकते हैं आ जाओ दोनों बैठे हुए आगे सुलह करा दो तुम, तुम्हें दोनों साइड की पार्टी की स्टोरी मालूम है कनेक्ट दम और उसको ठीक करा दो बस वो बॉन्डिंग फोर्स मुझे लगता है मिसिंग है तो आई आई एम फोकसिंग ऑन दिस न्यू वाला वाली कॉन्सेप्ट आई थिंक के हमें बजाय इसके कि बड़े होके क्या बने के बजाय सवाल चेंज करना चाहिए कि बड़े होके कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एंड दैट इज़ ऑल वी ऑल हैव दिस इन आर हेड बट लोगों को नहीं पता तो आज मुफ्ती साहब मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि उस्मान गनी को इसलिए हजरम ने नकद दिया क्योंकि वो गनी थे नाम सुनते ही पता चल जाए कि ये गनी है इनके पास गनी गना, गनी के लिए चले जाओ सिद्दीक के पास इसलिए चले जाओ क्योंकि वो सच्चा है इसके पास इसलिए चले जाओ कि इसके लिए अच्छा है जब इतने लोग हो सोशल मीडिया पे फिज़िकल वर्ल्ड में हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ताहा किस काम के लिए बनाए उसके पास किस को जाना चाहिए लाजिम जाना चाहिए तो अगर नाम ही डिफाइन कर दे जैसे हम दुकान के बाहर लिखते हैं ना भाई यहाँ तिक्के की दुकान है यहाँ बर्गर की दुकान है यहाँ पिज्ज़ा की दुकान है खाली देते ही लिखते दुकान है तो एज ह्यूमैनिटी ग्रोज वी हैव टू बिकम इफ वन प्रॉब्लम कैन सॉल्व द प्रॉब ऑफ द वर्ल्ड इज बाय गिविंग ए मिशन टू अ चाइल्ड एट अ वेरी यंग एज और फिर वो उस पर पंद्रह बीस साल एजुकेट करे और काम करे कनेक्शन बनाए नेटवर्क बनाए और उस नेटवर्क पर राइड करे टू मी नेटवर्क इज लाइक अ मोटर वे आप नेटवर्क बना देते हैं तो फिर अगला आदमी जो पीछे से आ रहा है वो जूम करके वहाँ पहुँच जाता है

विजुअली अवेलेबल mm -hmm. हो जाते हैं सामने आना शुरू होते हैं बट इन टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ उस तरह से नहीं कर रहे हैं